ये कहानी है ऐसे दो बच्चों की जो गलती से किसी आइलैंड पर फंस जाते हैं जहां पर इंसानों का पहुंचना नामुमकिन सा था। ये दोनों बच्चे उस आइलैंड पर किस तरह सरवाइव करेंगे? सबसे अहम बात, क्या वे उस आइलैंड से कभी निकल पाएंगे, पहुंच पाएंगे अपने घर पर, या फिर पूरी जिंदगी उन्हें उसी टापू पर बितानी पड़ेगी। कहानी की शुरुआत एक नाव को दिखाते हुए होती है जहाँ पर एक फैमिली यूरोप जाने के लिए निकली हुई थी, जिसमें 9 साल का एक रिचर्ड नाम का लड़का है और 7 साल की लड़की एलमिन। वहाँ रिचर्ड के पापा के साथ एक और आदमी था पैडी, जो शिप पर खाना बनाने का काम करता है। इसी के साथ और भी लोग जहाज में मौजूद थे। अचानक से जहाज में आग लग जाती है। पैडी रिचर्ड और एलमिन को लेकर एक लाइफ बोट में उतर गया, पर जहाज के जलने से चारों तरफ धुंध फैला हुआ था। इसी वजह से एक दूसरे को देखना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, जिससे पैडी का नाव वहाँ से काफी दूर जा चुका है। बोट में सवार तीनों लोग प्रशांत महासागर में अकेले पड़ चुके थे। जब एमलिन की आंख खुली तो उसके सामने एक सुंदर सा हरा भरा आइलैंड दिखाई पड़ता है। वे दोनों लोग भी जागते हैं, जिसे देखकर पैडी बोट को बड़ी खुशी के साथ टापू की तरफ लेकर बढ़ता है। थोड़ी देर में तीनों आइलैंड तक पहुंच चुके थे, जहां अलग अलग प्रकार के जानवर थे। खाने के लिए फल, पीने के लिए पर्याप्त पानी था, जिससे तीनों काफी खुश थे, यानी वे यहाँ जिंदा रह सकते थे। बस उन्हें इंतजार था कि कोई आए और उन्हें बचाकर यहाँ से ले जाए। दोनों बच्चे वहाँ की हर चीज को एक्सप्लोर करने लगे तो उन्हें कुछ इंसानों की खोपड़ी मिली, मतलब सांप था, इनसे पहले भी यहाँ पर कोई आया था। इसी बीच एमलिन लाल बेरी का फल खाने लगी, जो जहरीला था, जिसे खाने से पैडी रोक देता है उसे। आगे अपने रहने का इंतजाम करते हैं, जहाँ पैडी रिचर्ड को मछली पकड़ना, घर बनाना, इसी तरह की कई सारी चीजें रिचर्ड को सिखा रहा था। एक रात जब सभी सोए हुए थे तो पैडी को कुछ आवाजें सुनाई दी जो बगल के टापू से आ रही थी। सुबह होने पर वह देखने के लिए जाता है उस जगह पर आखिर है क्या, जहां उसे एक पत्थर पर मांस के टुकड़े और खून पड़े हुए थे। यह देखकर वह वहां से भाग आया। उसी रात दोनों बच्चों को समझाता है कि दूसरे आइलैंड पर हमें किसी भी हालत में नहीं जाना है, क्योंकि उस आइलैंड पर ऐसा कुछ तो था जिससे पैडी डरा हुआ है। ऐसे ही एक रात वह बहुत ज्यादा शराब पी लिया था, सभी बच्चों के साथ मजे करके सो जाता है। अचानक से उसके मन में न जाने क्या आया, रात को ही वह दूसरे आइलैंड की तरफ जाने के लिए निकल पड़ा। सुबह होने पर जब दोनों बच्चे उठे तो देखते हैं कि पैडी वहाँ पर नहीं था। दूरबीन की मदद से दूर देखते हैं तो कुछ ही दूरी पर वह लेटा हुआ दिखाई पड़ता है। नाव की मदद से जब उसके पास पहुँचे तो वह मर चुका था। पैडी को इस हालत में देखकर दोनों बच्चे डर गए थे, डर के मारे नाव से वापस चले जाते हैं। पैडी के न होने पर अब दोनों बच्चे अकेले पड़ चुके थे। उसी रात दोनों सामने वाले आइलैंड पर जाने का फैसला करते हैं। वहां पहुंचकर पैडी द्वारा सिखाए हुए हर तरीके से वे अपना एक घर बनाते हैं, जरूरत की सारी चीजें तैयार करते हैं। अब धीरे धीरे अपना समय उसी आइलैंड पर बिताना सीख चुके थे। कुछ साल बीत चुके हैं, दोनों काफी बड़े हो चुके थे, वे आइलैंड पर रहना पूरी तरह से सीख चुके थे। दोनों काफी खुश रहने लगे, दोनों एक आदिवासी की तरह अपना जीवन जीने लगे थे। भले ही वे पूरी दुनिया से अनजान हो, लेकिन फिर भी उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं हुई। वे अपने खाने पीने रहने सभी चीजों का इंतजाम कर लेते थे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन एमलिन को ड्रम बजने की आवाज़ सुनाई दी। एक तरफ एमलिन आवाज का पीछा करते हुए उस जगह पर जा रही थी तो दूसरी तरफ रिचर्ड मछली पकड़ रहा था। एमलिन आइलैंड पर चढ़कर देखती है तो आवाजें दूसरे टापू से आ रही थी, जिसे छोड़कर वे जहां आए हैं वहां से। वह और आगे बढ़ती है तो उसके सामने कुछ मूर्ति दिखाई पड़ी। जब उसके करीब गई तो उसे वहां खून दिखाई पड़ता है। यह देखकर डर के मारे वह वहां से भाग गई। रिचर्ड के पास पहुंचकर सारी बातें बताने लगी तो रिचर्ड उल्टा ही उसे डांट लगाने लगा, क्योंकि बचपन से वे पैडी के नियमों का पालन करते हैं कि उन्हें टापू के दूसरे साइड किसी भी हालत में नहीं जाना है। इसके बावजूद एलमिन उस तरफ गई थी। अगली रात एलमिन जब सोई हुई थी तो उसे सपने में रिचर्ड दिखाई पड़ा जो डूब रहा था। थोड़ी देर में उसकी मौत हो गई। यह देखकर वह नीचे जाकर नीचे आती है रिचर्ड के पास। रिचर्ड को सही सलामत देकर उसे कुछ राहत हुई। ऐसे ही कुछ दिन अब बीत चुके थे। एक दिन रिचर्ड को समुन्द्र में एक नाव आता हुआ दिखाई पड़ा। उसे देखकर तुरंत घर की तरफ भागने लगा, क्योंकि वहाँ सिग्नल के लिए उन्होंने लकड़ी इकट्ठा किया हुआ था, जिसे जलाकर वे सिग्नल दे सकते थे। इसके बावजूद भी एमलिन लकड़ियों को नहीं जलाई। रिचर्ड आकर उससे पूछने लगा कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन वह कुछ जवाब नहीं देती। वह इसलिए क्योंकि उसे यह जगह काफी अच्छी लगने लगी थी, मगर रिचर्ड यहाँ बिल्कुल रहना नहीं चाहता था। वह बरसों से जहाज के आने का इंतजार कर रहा था, यही एक मौका था। वह भी उनके हाथ से निकल चुका है, इसलिए वह खुद अपने लिए एक नाव बनाता है, जिसमें खाने पीने का सामान लेकर अकेले ही समुंदर की तरफ निकल पड़ा। मगर समुंदर में कुछ ही दूर जाने पर उसका नाव टूट गया, इसलिए उसे मजबूरन वापस लौटकर आना पड़ा। यह देखकर एमलिन उसका मजाक उड़ाने लगी। रिचर्ड गुस्से में आकर एमलिन का सारा सामान घर से बाहर निकाल दिया, कहने लगा कि यह घर मेरा है, मैंने बनाया है, तुम्हें रहना है तो कहीं और जाकर रहो। इसी वजह से एमलिन को एक छोटे से गुफा में रहना पड़ा।
लेकिन वहाँ रहना बहुत ही मुश्किल था। ऊपर से बारिश भी हो रही थी। इस झगड़े की वजह से दोनों अब अलग अलग रहने लगे। दोनों में जरा भी नहीं बनती थी, एक दूसरे से बात भी करना बंद कर दिए। इसी बीच एमलिन उस मूर्ति पर फूल चढ़ाने के लिए गई, जहाँ पर जाना भी मना था क्योंकि अब रिचर्ड भी उसे नहीं रोक सकता था। अब वह उस मूर्ति को अपना ईश्वर मानने लगी है। जब वापस आ रही थी तो उसका पैर एक जहरीली मछली के ऊपर पड़ गया, जिससे बहुत बीमार पड़ गई वह। कई दिनों तक एमलिन गुफा से बाहर ही नहीं आई, इसलिए रिचर्ड खुद गुफा में जाकर देखा कि उसके साथ हुआ क्या है, बाहर क्यों नहीं आती। जाकर देखता है तो उसकी हालत ठीक नहीं थी। एलमिन बताती है कि उसका पैर मछली के ऊपर पड़ गया था, जो बिल्कुल पत्थर जैसी थी। एलमिन की बिगड़ती हालत देख रिचर्ड डरने लगा, लेकिन एमलिन सबसे पहले उस मूर्ति के पास जाना चाहती है, जिसे वह अपना ईश्वर मानती है। रिचर्ड लेकर पहुंचता है उसे मूर्ति के पास, जहां रिचर्ड ईश्वर से विनती करता है कि एलमिन को जल्द से जल्द ठीक कर दो। होता भी ऐसा ही है। उस समय बीतने के बाद एलमिन ठीक हो चुकी थी। दोनों पिछले झगड़े को भूलकर साथ रहने लगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा, दोनों एक कपल की तरह रहने लगे। दोनों अपनी इस जिंदगी में बहुत ही खुश थे, मजे के साथ जिंदगी बिताते थे, मानो जैसे भूल चुके हों कि उन्हें इस टापू से निकलना भी है। उन्हें टापू ही अपना घर लगने लगा। उन्हें देखकर ऐसा लगता ही नहीं, वे यहाँ से जाना भी चाहते हैं, मानो जैसे उनका जन्म यहीं पर हुआ हो। ऐसे ही एक शाम रिचर्ड को कुछ आवाजें सुनाई दी। वह भागकर उस जगह पर पहुंचा तो देखता है कि उस टापू पर उसके अलावा और भी लोग थे। यह कोई और नहीं बल्कि यहाँ के अस्थायी निवासी हैं, जो सदियों से बाहरी दुनिया से अनजान यहाँ पर रहते आए हैं। वे यहाँ पर अपना एक खास रस्म पूरा करने के लिए आए थे। हर बार की तरह इस बार भी एक इंसान की बलि अपने ईश्वर की भेंट के लिए चढ़ाते हैं। यह देखकर रिचर्ड डर के मारे वहाँ से भाग गया। अब समय बीतने लगा। उसी समय बाद एमली ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन बच्चे की परवरिश किस तरह की जाए इसका अंदाजा उन्हें जरा भी नहीं था। लेकिन उनसे जितना हो सका बच्चों की परवरिश में उसने किया। पैडी की याद में ही वे उस बच्चे का नाम पैडी रख दिए थे। रिचर्ड एमलिन को समझा दिया था कि कुछ भी हो जाए हमें टापू के दूसरी तरफ नहीं जाना है। वर्षों बीतने के बाद भी उन्हें पैडी की याद आती थी, जो उनके साथ काफी समय तक था। इसलिए रिचर्ड दूसरे टापू पर जाकर पैडी के डेड बॉडी को देखना चाहते हैं। इसलिए नाव की मदद से पहुंचते हैं दूसरे टापू पर, जहां वर्षों बाद पैडी नहीं बल्कि उसका कंकाल पड़ा हुआ था। कंकाल को देखकर शुरू में उसे जरा भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद वह समझ जाता है। तो इंसान की बनावट ऐसी होती है। अब उसका एक छोटा बच्चा भी था, जिसके साथ ये पूरा टाइम बिताते थे। समय कब निकल जाता था पता ही नहीं चलता था। ऐसे ही कुछ महीने बीत चुके थे। वह बच्चा पहले से काफी बड़ा हो चुका था, लेकिन रिचर्ड के पिताजी अभी भी समुन्द्र में वर्षों से भटक रहे थे अपने बेटे की तलाश में। उनका कोई भी ऐसा दिन गुजरा नहीं था जब वे अपने बेटे की खोज ना किए हों। ऐसे एक दिन जब तीनों समुन्द्र के किनारे खेल रहे थे, तो उसी टापू के पास रिचर्ड के पिताजी गुजरते हैं। जहाज के दूर होने के बावजूद भी दूरबीन की मदद से उन्हें देख लिए थे। रिचर्ड भी उस बोट को देख चुके हैं, लेकिन अब उनका मन बदल चुका है। वह इसी टापू पर रहना चाहते हैं, वापस नहीं जाना चाहते, इसलिए तीनों वहां से टापू की तरफ जाने लगते हैं। रिचर्ड के फादर भी समझ चुके हैं ये वे नहीं हैं जिन्हें वे ढूंढ रहे हैं। लगता है ये यहाँ के निवासी हैं। अगर वे लोग होते तो हमें आवाज जरूर लगाते। इसलिए जहाज को निकल गए थे वे। एक दिन तीनों उस आइलैंड पर दोबारा जाते हैं जहाँ पर वे पहली बार गए थे पैडी के साथ, जहाँ पर उनकी पुरानी चीजें पड़ी हुई थी, जिन्हें देखकर वे अपने बीते हुए पल को याद करते हैं। इसी बीच उनका बच्चा एक जहरीले फल को खा लेता है, जिसे खाने से पैडी उन्हें बचपन में मना किया था। वह बच्चा कुछ फल को तो बोट में भी रख देता है, जिससे दोनों अभी भी अनजान थे। टापू को देखकर अब तीनों वापस आ रहे थे। तभी बच्चा गलती से पतवार को पानी में डाल देता है, जिसे एलमिन अपने पास लाने की कोशिश कर रही थी, मगर उसे नहीं ले पा रही थी। तब वह रिचर्ड को बुलाने लगी, जो पीछे कुछ फल लेने के लिए रुक गया था। फल को लेकर पानी में कूद जाता है। इसी बीच उनके पीछे एक सार्क भी पड़ चुका था। रिचर्ड को बचाने के लिए एमलिन दूसरे पतवार को फेंककर सार्क को मारती है। रिचर्ड तो बच चुके थे, लेकिन बिना पतवार के उनकी नाव किनारे से दूर जाती जा रही थी समुंदर की तरफ। वे काफी कोशिश करते हैं पतवार को वापस लाने की, लेकिन वहीं पर सार्क भी मौजूद था, इसलिए वे चाहकर भी पानी में नहीं उतर सकते थे। देखते ही देखते उनका नाव किनारे से समुंदर में काफी अंदर जा चुका था। अब उनके पास ना ही खाने का कुछ था न पीने का। दोनों तो भूख प्यास बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन उनके पास जो छोटा बच्चा है उन्हें उसी की फिक्र थी। ऐसे ही एक दो दिन बीत चुके थे। भूख की वजह से वह बच्चा जहरीला फल खाने लगा, जिसे चोरी से वह बोट में रख दिया था। उसे खाते वक्त थोड़ी देर बाद दोनों देख भी लेते हैं, लेकिन अब कोई फायदा नहीं। इसलिए रिचर्ड और एलमिन भी उस जहरीले फल को आधा आधा करते हैं। फैसला करते हैं कि वे भी बच्चे के साथ अपनी जान दे देंगे, लेकिन वह बच्चा अभी भी जिंदा था, सिर्फ सोया है क्योंकि वह बहुत कम फल खाया था, लेकिन ये लोग उसे खाकर सो जाते हैं। इसी बीच रिचर्ड के फादर भी उसी नाव को देखते हैं, तो वे तुरंत उस नाव के पास पहुंचते हैं। बोट को देखने के लिए एक आदमी गया, बताता है कि इसमें तीन लोग हैं, वे अभी जिंदा है बस सो रहे हैं।
इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। फिलहाल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।